तो गुड इवनिंग सभी साथियों को। तो आज देखते हैं हम फिर से मैथ को पढ़ेंगे, हम पार्ट ए मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आज भी हम उसी प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से प्रतिदिन हम सॉल्व करते थे, आज भी हम उसी प्रकार से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट करके लाए हैं। तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आने से संभावना किस प्रकार के प्रश्नों की। तो संभावित क्वेश्चनों को लिया है, तो जितने भी संभावित प्रश्न थे आज थोड़ा एडवांस भी रखा है। तो एडवांस देखेंगे कि कितना एडवांस लगाते हैं, तो कुछ एडवांस भी लेंगे, मिक्स क्वेश्चन लेते हैं, तो सभी मिक्स क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो देखते हैं हम मिक्स क्वेश्चनों को। तो सर्वप्रथम देखते हैं, एक पर्स में 50 रुपये और 100 रुपये के 40 नोट हैं। यदि कुल 3200 रुपये हों तो बताइए 50 के नोट कितने हैं। 50 के नोट पूछा है उसने कि कितने हैं, क्वेश्चन दिख ही रहा है आप लोगों को। तो देखते हैं, एक पर्स है, पर्स में 50 रुपये और 100 रुपये के नोट हैं। कितने के हैं? कुछ 50 रुपये के हैं, कुछ 100 रुपये के हैं, कुछ 100 रुपये के हैं। उसने हमसे कहा है कि कुल टोटल कितने नोट हैं, तो 40 नोट हैं। कुल जितने नोट हैं वो कितने हैं? 40 नोट हैं। तो कुल कितने नोट हैं? 40 नोट हैं। तो कुछ 50-50 के हैं, कुछ 100-100 के हैं। यदि मैं कहूं कि सभी कितने-कितने के हों, 50-50 के हों, तो कितने होंगे 50-50 के? तो कितने रुपए होंगे? 2000 रुपए होंगे। यदि मैं कहूं कि सभी कितने कितने के हों, 100-100 के हों, तो सभी कितने होंगे? 4000 रुपए होंगे। इतने ही होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में सीधा स्पष्ट कहा है कि इनकी जो अमाउंट है वो कितनी बन रही है, 3200 रुपए बन रही है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि कुछ नोट 50-50 के हैं, कुछ 100-100 के हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे सभी 50-50 के चाहिए। यदि 50-50 के होंगे तो सभी कितने होंगे? 2000 रुपए होंगे। यदि सभी ये मैं कहूँ कि मुझे सभी 100-100 के चाहिए तो कितने होंगे? 4000 होंगे। उसने कहा कि कुल मिलाकर के 150 के नोटों की जितनी संख्या वो कितनी है? 3200 रुपए। कितनी है? 3200 रुपए। तो इनमें क्या लगा देंगे? एलिगेशन लगा देंगे। जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? यहाँ पे 1200 प्राप्त होगा। यहाँ पे कितना होगा? तो 800 प्राप्त होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12। उसने हमसे कहा है 50 रुपये के नोट कितने हैं, तो यहाँ पे कितने हैं अनुपात में? 2 हैं, लेकिन टोटल कितने हैं? 5 हैं। क्वेश्चन के अनुसार कितने हैं? कुल कितने हैं? तो 40 नोट। तो 5 8 40, 8 2 16 नोट। तो 50-50 के कितने नोट हैं? 16 नोट होंगे। यदि 100-100 के चाहिए होंगे तो 8 3 24 नोट होंगे। तो 16 नोट कितने के हैं? 50 के हैं। 50 के कितने नोट हैं? तो 16 नोट होंगे। यदि हम 100-100 के पहुंचते तो कितने होते? 24 नोट होते। 100-100 के कितने होते? 24 नोट। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुझे आशा है कि ये सभी को समझ में आया होगा, ये एलिगेशन से लगाया। यदि इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आए तो इसे किससे लगाना है? एलिगेशन से लगाना है। एलिगेशन से बिल्कुल इसे सॉल्व कीजिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक और गलत के लिए 0.5 की नेगेटिव मार्किंग की जाती है। परीक्षा में कुल 300 प्रश्न है और एक विद्यार्थी 350 अंक प्राप्त करता है, तो उसने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए होंगे? कितने क्वेश्चनों के सही जवाब दिए होंगे? तो दो प्रकार के क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कुल प्रश्न कितने हैं? कुल प्रश्न देख लेते हैं हम। सबसे पहले कितने हैं? तो कुल प्रश्न कितने हैं? 200 है। 200 नहीं, 300 क्वेश्चन है, सॉरी 300 क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी है, उसने क्या किया कि वह 300 प्रश्न की एक परीक्षा होना थी, वह देने गया। तो उसमें यदि एक बच्चा एक क्वेश्चन को सही करता है तो उसे 2 नंबर मिलते, यदि वह एक गलत करता है तो 0.5 अर्थात आधा अंक उसका काट लिया जाता सही में से। इस प्रकार से नेगेटिविटी थी उसमें। लेकिन उनमें से भी उसने क्या किया कि 350 अंक आए उसको। पेपर एग्जाम दिया उसने, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया, उसके कितने अंक आए? तो 350 अंक आए उसके। यदि
सभी सही करता है, मैं कहूं कि सभी सही करना चाहिए या गलत करना चाहिए। यदि सभी करता है तो दो है, मैं कहूं कि सभी सही करेगी तो मुझे 300 का गुणा करना पड़ेगा अर्थात 600 होंगे। यदि वह सभी क्या करता है, गलत करता है तो आधा अंक क्या कर लिया जाता, उसका काट लिया जाता अर्थात -150, इतना ही होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी एलिगेशन ही लगेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ 600 में से 350 जाएगा तो कितना बचेगा, 250, इतना ही बचेगा कि नहीं बचेगा। जब यहाँ पे माइनस लगा यहाँ पे प्लस लगा तो ये एलिगेशन में क्या होता कि जुड़ जाता, माइनस प्लस को क्या कर देते, जोड़ देते। तो यहाँ पे 0 0 और 4 आ जाएगा, 4 आएगा तो 5 आएगा, 4 5, हाँ 500 आएगा, 2.5 1 कम 2.5 और 2.5 2 ना 5, 2:1 आएगा। तो उसने क्या हमसे कहा है कि उसने कितने सही क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं, तो क्वेश्चन के अनुसार 2:1 है, टोटल कितना होगा 1:1 ये और 2:3 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कितने थे, 300 थे, 3 से 3 उसने कितने क्वेश्चनों के सही उत्तर दिए, 200 प्रश्न के सही उत्तर दिए हैं, कितने के दिए हैं 200 प्रश्न के सही उसने उत्तर दिए हैं और 100 के उसने क्या दिए हैं, गलत उत्तर दिए हैं। तो इस प्रकार से इसे बनना था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1000 रुपए अधिक में बेचा होता तो 12% का लाभ प्राप्त होता, क्रय मूल्य क्या है। एक वस्तु है उसको 8% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 1000 रुपए अधिक में बेचा होता तो 12% का लाभ प्राप्त होता। पहले उसने कितने प्रॉफिट कमाया उस पर, 8%, यदि अधिक कितने पर बेचा होता, अधिक 1000 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे कितना प्रॉफिट प्राप्त होता, 12% प्राप्त होता। लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिट दोनों जगह है तो इसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना अधिक प्राप्त होता, 4 प्राप्त होगा ना, 12 में से 8 जाएगा तो 4 ही प्राप्त होगा क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन उसी प्रश्न के अनुसार कितना अधिक, तो 1000 रुपए अधिक में बेचा होता तो 4 से इसको 25 बार 250 होगा, तो 250 1% का मान तो कितना होगा, 250 होगा। वो मैं कहूं कि 100% का मान कितना है, 100% का, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, कितना 25,000 रुपये। तो कितने रुपए का बेचा होता, 25,000, उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 25,000 रुपए, जो कि हमें ज्ञात करना था क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 25,000। उसने क्वेश्चन में कहा है किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा जाता, यदि उस वस्तु को 1000 अधिक में बेचा होता तो 12% का प्रॉफिट प्राप्त होता। लेकिन पहले 8% का था और फिर बाद में कितना बताया उसने, 12% का, तो कितनी वृद्धि हुई है, 8 से कितनी वृद्धि हुई है, 4 की वृद्धि हुई है, और क्वेश्चन के अनुसार कितने की वृद्धि, 1000 की वृद्धि हुई है, तो 4 से इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 16 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की चार भुजाएं कैसी होती हैं, सभी समान होती हैं, समचतुर्भुज को बनाएंगे। ये क्या बना है, समचतुर्भुज बना है, इसका एक विकर्ण दिया हुआ है और एक विकर्ण तो दोनों बनाएंगे, और 16 सेंटीमीटर का दिया हुआ है तो ये यदि काटेंगे तो 8 सेंटीमीटर का ये होगा और 8 सेंटीमीटर का ये भी होगा। लेकिन परिमाप दिया हुआ है वृत्त चतुर्भुज का परिमाप, लेकिन चतुर्भुज कैसा है, तो समचतुर्भुज कैसा है, समचतुर्भुज, तो परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया, समचतुर्भुज है तो इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे क्योंकि 4 भुजाएं क्या है, बराबर है, 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमारी एक भुजा कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी।
10 सेंटीमीटर, 10 की ये होगी, 10 की ये होगी और 10 की ये, 10 की ये भी, सभी 10 की होंगी। तो यहाँ पे आपको यदि याद हो ट्रिपलेट एक पढ़ाई थी पहले, तो ट्रिपलेट को देखिए यहाँ पे 8 है यहाँ पे 10 है, तो ये कितनी होना चाहिए, 6 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। उसने हमसे पूछा क्या, यदि 6 ये है तो ये भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। उसने हमसे क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ही पूछा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल डायमीटर एक ये है, एक बेकार ये हो गया, एक बेकार ये हो गया, 1/2 क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर d1 × d2 हो जाएगा। तो d1 का मान कितना है, 1/2, d1 का मान हो जाएगा 12 और d2 का मान 16, तो 2 × 6 = 12, 16 × 6 = 96, तो कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, कितना होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका परिमाण क्षेत्रफल कितना होगा, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। यहाँ पे सर्वप्रथम हमें उसने दिया था, एक डायमीटर दिया था, तो हमने 20 दोनों डायमीटर डाल दिए, 8 सेंटीमीटर यहाँ, 8 सेंटीमीटर यहाँ, यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर का ये है, 10 की तो ये भुजा निकली है, तो 6, 8, 10 की ट्रिपलेट होती है, 6, 8, 10 की एक ट्रिपलेट। जब 6 का ए होगा, 6 सेंटीमीटर ए होगी, तो 6 तो ए भी होगी ना, ये क्या यहाँ पे त्रिभुज दिखा था, इस त्रिभुज की ट्रिपलेट ली है, जब ये 6 है तो ये 6 होगी, तो इस प्रकार से हमने इसको ज्ञात किया। यदि इस प्रकार से नहीं करना है तो क्वेश्चन में देखिए वहां पर 40 सेंटीमीटर डला हुआ है, कितना डला है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। ये जो विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण को आधा कीजिए तो 8 आएगा, क्या उसमें विकर्ण दिया है 16 सेंटीमीटर, सीधा यदि सीधा लगाना है आपको, इससे नहीं लगाना है, परिमाप ये दिया हुआ है, परिमाप क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में परिमाप 40 दिया हुआ है, विकर्ण 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको आधा करेंगे तो 8 आएगा, इसको 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। तो 8 सेंटीमीटर, 8 10 और 6, 6 8 10 की ट्रिपलेट, तो सीधा सीधा लगा दीजिए आप, 6 × 12 = 12 × 16, तो इसको आधा करेंगे, 16 × 6 = 96, तो हमारा सीधा सीधा अंतर आ जाएगा, हमें कोई डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो सीधा लगाएंगे हम, तो इस प्रकार से लगा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7, 9, 11, 13 और 15 का मानक विचलन क्या है, मानक विचलन। तो उसने क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है 7, 9, 11, 13 और 15 इतना दिया हुआ है कि नहीं दिया है, 7, 9, 11, 13 और 15 दिया है। इसका हमें तो सबसे पहले तो क्या ज्ञात करना है, मीन ज्ञात करना है, अर्थात माध्य ज्ञात करना है। माध्यम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उनमें भाग देंगे। तो सबसे पहले जोड़ते हैं, तो 9, 7, 16, 16, 11 होगा अपना 16 और 11, 27, 27, 13, 40, 40 और 15 होगा 55, 55, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, 5 का भाग देंगे कितना आया, हमारा माध्य हमें कितना होगा, 11 प्राप्त होगा। तो संख्या कौन कौन सी थी, 7 थी, 9 थी, 11 थी, 13 थी और 15 थी। यदि जब हम माध्य को, इस संख्याओं में से माध्य को ज्ञात करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, विचलन प्राप्त होगा। तो इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है, सभी संख्या से हमें ये माध्य माइनस करना है, तो सभी में से माध्य हम माइनस कर लेते हैं, हमें क्या क्या प्राप्त होता है, 7, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, 4, 11, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। इन सभी संख्याओं का क्या करना है, हमें वर्ग करना है, सीधा सीधा क्या करना है, वर्ग कर देंगे, हम किसी भी संख्या को माइनस में नहीं देखेंगे। 4 × 16, 2 × 4, 0 × 0, 2 × 4 और 4 × 16, इन सबको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो 16 × 4 = 20, 20 × 20 = 40, 40 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। 8 को हम, अब हमें क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है।
मानक विचलन। तो इसको क्या करेंगे हम रूट में रख देंगे, रूट आठ, जो रूट एट यहाँ पे आया इसको हम क्या करेंगे, इसको रूट में रख देंगे, रूट में रख देंगे, तो रूट कितना आएगा, टू रूट टू आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बनेगा, टू रूट टू बन जाएगा। तो मानक विचलन इस प्रकार से निकालते हैं हम सभी संख्याओं का, पहले माध्य निकाला, माध्य निकालने के बाद हमें क्या निकालना था, विचलन निकालना था, तो विचलन निकाल दिया, विचलन हमारा 16 4, इस प्रकार से वर्ग करने से विचलन निकलता है। विचलन के बाद हमने निकाला मानक विचलन, तो टू रूट टू आ गया, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, टू रूट टू बनेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ कमाता है, यदि उन्हीं आमों के प्रति नंग 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसे 40% लाभ प्राप्त होता है। प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, अर्थात क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस अर्थात सीपी, यहाँ पे देखिए सीपी। इसके बाद में एसपी, एसपी दिया हुआ है अर्थात विक्रय मूल्य, एसपी वन और एसपी टू मानेंगे हम, दो जगह दिया है विक्रय मूल्य 40%, एक जगह 20%। तो हमने सबसे पहले क्रय मूल्य कितना माना है, क्रय मूल्य 100 माना है। तो यदि हम उसको 20% लाभ पर बेचते हैं तो कितना होगा, 120 होगा। जब हम 40% के लाभ पर बेचते हैं तो 140 होगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तीनों को, तो 7 आएगा, 6 आएगा और 5 आएगा, इतने के ही अनुपात में आएगा कि नहीं आएगा। तो उसने कहा है कि पहले की तुलना में दूसरे का विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य कितना आया हमारा, 6 रुपए। तो प्रति आम का विक्रय मूल्य कितना आया, 6 रुपए आया। तो पहले की तुलना में पूछा था, यदि दूसरे की में होता तो 7 होता, पहले की तुलना में विक्रय मूल्य तो दूसरे का कितना है, तो 6 रुपए होगा, दूसरे का कितना आता, 7 आता। तो एक पहले का पूछा था तो पहले का 6 रुपए निकला हमारा। 10,800 रुपये की राशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, दर कितनी दी है, दर देख देते हैं सबसे पहले कि कितनी दर दी हुई है, तो 16 सही 2/3% दर दी है। और जो अमाउंट दिया है अर्थात कॉस्ट प्राइस दिया है, क्रय मूल्य, तो 10,800 रुपये दिया हुआ है, 10,800 रुपये दिया हुआ है। आगे उसने कहा है समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, टी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष और 73 दिन दिया हुआ है, दिन में दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं किस प्रकार से करना है। तो सर्वप्रथम यहाँ देखते हैं दर 16% की, दर क्या बनती है, 16 सही 2/3%। इसको देखेंगे हम, जब हम इस वो पढ़ाई थी हमने, तो 16 की कितनी बनी थी, 1/6 बनी थी, कितनी बनी थी, 1/6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंट में से बदलेंगे तो हमारी कितनी आएगी, 16 सही 2/3% ही आएगी। तो हमारा कितना बना था, 1/6। अब 1/6 का इस पर निकालिए, तो 10,800 रुपये पर 106, 1/6 का निकाला, तो हमने 6 1 6 और 6 8 48, 4 बचा था यहाँ पे, 6 8 48, 2 0 बचा, तो कितना बचा, 1800 रुपये बचा यहाँ, कितना हुआ, 1800 रुपये। एक वर्ष का कितना हुआ साधारण ब्याज, 1800 रुपये। इसको अभी हम रब कर देते हैं, एक वर्ष के लिए 1800, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, क्योंकि 73 दिन का निकालना है, तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना आएगा ब्याज, 1800 रुपये, सेकेंड ईयर के लिए साधारण ब्याज है तो 1800 रुपये, थर्ड ईयर के लिए भी कितना होगा, 1800 रुपये, तीनों के लिए, तो 2 साल तो पूरे पूरे हैं ही है, 73 दिन और हैं, तो हमने यहाँ पर 3 साल का निकाल दिया। जब इस 1800 रुपये का यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, इस पर 1/6 का लगेगा, तो 6 3 18 अर्थात 300 रुपये होगा, कितना होगा, 300 रुपये आएगा। इस पर भी लगेगा यहाँ पे, इस जो साधारण ब्याज था तो इस पर भी आएगा,
तो यहाँ पे भी कितना आएगा 300 रुपए। अब इस 1800 का अभी तो यहाँ पे आया है 300 रुपए, लेकिन यहाँ भी आएगा तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ भी 300 रुपए आएगा। जब इस अब तो इसका हो गया यहाँ पे, लेकिन अब इसका भी इसके पास आएगा तो 1/6 इसका भी निकालना पड़ेगा, तो 6 × 5 = 30 तो कितना आएगा 50 रुपए आएगा। अब इस सबको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे होगा 1800 रुपए, यहाँ पे 1800 और 3 = 2100 रुपए, यहाँ पे कितना होता है 0, 5, 8, 6, 14, 4, 1, 2, 2450 आया। लेकिन 2450 रुपए जो है ये 73 दिन के लिए, कितना है थर्ड ईयर के लिए है, लगा है ये थर्ड ईयर के लिए, लेकिन ये 2450 रुपए जो लिखा है ये 73 दिन के लिए लिखा है, इसका हम 73 दिन का निकालेंगे। ये तो हमारा ब्याज हमें मिलना ही था, लेकिन हम इसको रफ करते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे, इसको भी रफ कर देते हैं, 2450 रुपए है, इसको याद रखना 2450 रुपए कितने दिन का है 73 दिन का, 73 दिन का कितने दिनों में 365 दिन में, 73 का कितने गुना है ये, इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो 5 गुना होगा, इसका इसमें भाग देंगे तो 3 × 5 = 20, 5 × 9 = 45 अर्थात 490 रुपए, 490 रुपए तो हमारा आया 73 दिन का, कितने दिन का 73 दिन का। पहले ईयर का कितना था 1800 रुपए, सेकेंड ईयर का कितना था 2100 रुपए, इसको हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमारा ब्याज प्राप्त होगा 8 × 4 = 12, 13 × 3 = 3, 3 × 1 = 4, तो कितना रुपए आया 4390 रुपए, 2 वर्ष 73 दिन का कितना ब्याज आया 4390 रुपए, हमारा खाली क्या आया ब्याज आया, तो हमें ब्याज कितना लगा 4390 रुपए खाली ब्याज लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, ए किसी काल का 1/2 भाग, ए किसी काल का 1/2 भाग कितने दिनों में कर पाता है 5 दिनों में कर पाता है, कर सकता है। बी उसी काल का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, सी उसी काल का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उसी काल को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए है बी है, ए व्यक्ति है बी व्यक्ति है और सी तीन व्यक्ति है, तो ये बी है जो 3/5 भाग, 3/5 भाग कितने दिन में करता है 9 दिन में करता है, और जो सी है यह 2/3 भाग कितने दिन में 8 दिन में करता है, इसे हमें सॉल्व करना है। जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, 5 × 3 = 15, तो कितना आएगा 15 दिन, और 5 × 2 = 10 दिन, तो ये 10 दिन में करेगा, ये 15 दिन में कर पाएगा, और 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, तो ये 12 दिन में कर पाएगा। इस प्रकार से ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल ली हमने, तो ए बी और सी, ए की कितनी है 10 दिन, बी की कितनी है 15 दिन, सी की कितनी है तो 12 दिन, कुल कार्य कितना है इसका, तो कुल कार्य हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम कितना है 60 आएगा, 10 का इसमें भाग देंगे तो 6 आएगा, 15 का इसमें भाग देंगे तो 4 आएगा, और 12 का इसमें भाग देंगे तो 5 आएगा, 10 × 6 = 60, 15 × 4 = 60, 12 × 5 = 60, जब तीनों को मिलाकर के कार्य करना है तो 1 घंटे में कितना कार्य होगा 6, 4, 10, 10 और 5 = 15, कुल कार्य कितना है 60 है, तो 60 तीनों को मिलाकर के करना है तो कितने दिन में हो जाएगा 4, या तो घंटा में दी होगी बेली या फिर दिन में दी होगी, यदि दिन में दी है तो 4 दिन लगेंगे, यदि घंटे में दी होगी तो 4 घंटे लगेंगे। इस प्रकार से हमें निकालना है, का जिसके साथ में लगा होता है तो उसका मान हम निकाल लेते हैं इस प्रकार से, तो सभी का हमने एफिशिएंसी या दिन निकाला, दिन में दिया है तो 4 दिन में काल क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, तो इस प्रकार से ए बी सी तीनों में रख करके जब काल करेंगे तो 4 दिन में निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हैं, 10,500 के गुणनखंड, यदि आपसे गुणनखंड पूछे तो आप कितनी स्पीड से निकाल सकते हैं उसको, तो देखिए
आप यदि गुणनखंड इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार से, तो निकालने में परेशान हो जाएंगे। लेकिन इसके हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। किस प्रकार से तोड़ना है, 10,500 दिया हुआ है तो हम 105 को पहले तोड़ते हैं। 105 गुणा कितना करेंगे, 100 करेंगे। 105 कितने गुना होता है, तो 27 × 105 तो 3 × 5 × 5 15 15 7 105 होता है। इसका हम 25 × 100 अर्थात 2 × 2 की घात और 5 × 2 की घात इस प्रकार से निकालेंगे। 5 × 25 25 × 100 इसका हो जाएगा 7 × 35 35 × 105 इस प्रकार से निकालेंगे। तो 2 × 2 की घात और तो कहीं है नहीं है, तो 2 × 2 की घात गुणा 3 × 1 की घात 1 की घात 4 × तो कोई है नहीं है, 5 × 2 की घात 2 की यहाँ पे 1 की यहाँ पे, तो 5 × 3 की घात 7 × 1 की घात 1 की घात तो हम घातों में 1 जोड़ करके सभी का निकाल देंगे। तो 2 की घात है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 1 में 2 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 5 में 3 × 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 × 8 8 × 16 16 × 3 48 48 गुणनखंड होंगे उसके, कितने बनेंगे, 48 गुणनखंड बनेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या तोड़ना है, इसके प्राइम फैक्टर तोड़ना है और इसके गुणनखंड इस प्रकार से हम फास्ट बना पाएंगे। तो कितने गुणनखंड होंगे, 48 गुणनखंड होंगे। 2 × 8 8 × 16 16 × 48 सभी घातों में एक एक जोड़ के लिखना पड़ता है। यदि गुणनखंड निकालना है तो सभी घातों में क्या करना है, जोड़ के निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि यहाँ पे बोर्ड पर दिख रहा होगा, रूट दिया है, रूट 8 + 2 √15 दिया है, इतना दिया है। इसके ऑप्शन से यदि ऑप्शन से देखोगे तो आप नजर मारोगे, आंसर निकालोगे। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है इसका, ऑप्शन ए पे दिया हुआ है √5 + √3। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 5 √5। इस प्रकार से सी पे दिया हुआ है √3 − 5 और डी पे दिया हुआ है √5 − √3। इस प्रकार से ऑप्शन कुछ दिए होंगे। जब कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हो, आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएं कि किस प्रकार से तोड़ें, तो इसको सेकंडों में तोड़ने के लिए आप ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है, तो कुछ नहीं करना है, प्लस ढूंढना है आपको। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाय द वे यहाँ पे तो 3 जगह माइनस था, तो हम क्या कर चुके, तीनों को गलत कर चुके, ये सही लगा चुके, आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। यदि यहाँ पे कहीं पे भी क्या है, प्लस लगा है और कंफ्यूजन उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे एक सी संख्याएं दोनों हैं, एक या तो एक सी संख्याएं आएंगी नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा है। यदि यहाँ पे साइन प्लस का है तो प्लस का ही साइन होगा, लेकिन गुणा करने पर कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 5 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, 5 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। इस प्रकार से हम दोनों पर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यही वाला बन जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। जितने भी क्वेश्चन थे तो हम अभी लगा चुके हैं, और भी यदि क्वेश्चन बनेंगे तो हम उन्हें और नए क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे और बड़े ही ध्यान के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे जो कि पूरे हो चुके हैं, अब अगले दिन देखेंगे। जय जो होते हैं।